भारत दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्र देश है। सारी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत में लोकतंत्र का महापर्व धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आपको तीन तस्वीरें जरूर दिखाना चाहती हूं, जिसमें पहली तस्वीर अमेरिका की है, जब डोनाल्ड ट्रंप के हारने के बाद उनके समर्थकों ने किस तरीके से उत्पात मचाया था। दूसरी तस्वीर पाकिस्तान की है, जब इमरान की पार्टी को चुनाव ही नहीं लड़ने दिया गया। जब उनके उम्मीदवार आजाद लड़े तब बूथ कैप्चर करवा दिए गए। और तीसरी तस्वीर भारत की है, जहां पर शांतिपूर्वक सारा का सारा चुनाव होने के बाद पक्ष विपक्ष ने मिलकर शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे एनडीए की सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के तौर पर भाग लेने के लिए पहुंचे। यह तस्दीक करता है कि भारत में कितना मजबूत लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यही नहीं, इस बार भारत के चुनावों में एक और नई बात हुई। 23 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 75 प्रतिनिधि 2024 के लोकसभा चुनावों को देखने के लिए भारत पहुंचे थे और इन प्रतिनिधियों में चुनाव के दौरान 6 राज्यों के दौरा करने की तस्वीरें आई, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल थे, जहां पर ये डेलीगेशन इस चुनावी पर्व को देखने और समझने के लिए पहुंचा। इन्होंने ये देखा कि कैसे भारत में निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, क्यों भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। ये आंकड़े बताते हैं कि जितने हमारे यहां पर वोटर हैं, इतनी तो यूरोप और अमेरिका की आबादी भी नहीं है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 97 करोड़ वोटर्स हैं और इस बार के चुनाव में 65.79% वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने यह बताया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में करीब 64 करोड़ 20 लाख वोटर्स ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी लोकतांत्रिक देश में बना है। इतना बड़ा चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न होना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है और इसे लेकर अब अमेरिका ने भारत की तारीफ, भारत की प्रशंसा की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम भारत में हुए चुनाव का जश्न मनाते हैं। यह इतिहास में किसी भी देश में होने वाले चुनावों में सबसे बड़ा चुनाव है। अमेरिका की ओर से हम भारत सरकार और वहां के मतदाताओं को इतने बड़े चुनाव का आयोजन सफलतापूर्वक करने और उसका हिस्सा बनने के लिए बधाई देते हैं। लेकिन जब मैथ्यू मिलर से चुनाव के बाद एनडीए की सरकार में किसी मुस्लिम के मंत्री न बनने पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इस तरह का सवाल का जवाब देने से परहेज किया। कहा कि ये भारत के लोगों को तय करना है, मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी देश में लोकसभा चुनावों की सफलता पर खूब चर्चा हुई। पाकिस्तान के विपक्षी नेता शिबली फराज ने भारतीय चुनाव प्रक्रिया की प्रशंसा की है और उन्होंने कहा कि कैसे दबाव के बीच बिना किसी परेशानी के सबसे बड़ा स्वतंत्र दुनिया का और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुआ है। I don't want to quote the example of our enemy country. Abhi elections hue hain wahan pe 800 million se zyada logon ne vote kiya hai. कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशन थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। एक महीने का दौरानिया था उस पूरे इलेक्शन का, ईवीएम के जरिए बनाया, कंडक्ट किया। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग था, इंतकाल इकतदार कैसे हुआ। जनाब चेयरमैन, हम भी उस सफ में शामिल होना चाहते हैं। दरअसल पाकिस्तान में चुनाव के नाम पर सेना ने जो धांधली का खेल खेला वो सारी दुनिया ने देखा। जिस तरीके से पाकिस्तान में पहले इमरान खान की पार्टी पर बैन लगा दिया गया, जब इमरान की पार्टी के लोग आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतरे और जीतने लगे तो गिनती को रोक दिया गया और जबरदस्ती शहबाज शरीफ की पार्टी को विजयी घोषित कर दिया गया।
वो पाकिस्तान अब भारत के चुनाव को देखकर हैरान है, परेशान है। हालात ये है कि पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान ने आतंकी हमलों को अंजाम देना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर में अपने घुसपैठियों के जरिए, अपने आतंकियों के जरिए हमले करवा रहा है ये देश, जिसके नेता को अभी आपने सुना और वो कहता है आर एनिमी नेबर, यानी कि